बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप था जी, प्री नेशनल के लिए भी क्वालिफाई अभी मतलब उसी के लिए प्रैक्टिस चल रहा है जी। उस विधायक जी हैं, जनता की भी उम्मीदें हैं, क्षेत्र के लोगों की भी उम्मीदें हैं, उनसे भी मिलना है, पार्टी के प्रति भी जवाबदेही है, जिम्मेवारी भी है, युवा चेहरे हैं पार्टी के, इधर संस्था के बच्चों को भी देखना है, और जाहिर तौर पर अब तो चुनौती बढ़ गई है, इतना अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने, उसको बरकरार रखना बिल्कुल। 10 बच्चे जो है प्री नेशनल, कुलसुम, आपको क्या कहते हैं, ऋषिका, यहाँ पर आरव, हेमंत, ये लोग जो भी हैं, प्रिंस हैं, ये सभी लोग क्वालिफाई कर गए हैं प्री नेशनल के लिए। मतलब मेडल जीता है आपने? टू ब्रॉन्ज जीते हैं आपने, तो स्टेट लेवल में आपने जीता है जी, और प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल क्वालिफाई करूंगी, एक सिल्वर है, 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। चलिए वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। हमारा पूरा दिन निकल जाता है राजनीति के निशानेबाजों की खबरें दिखाने में, किसने किस पर निशाना साधा, लेकिन हम आज असली निशानेबाजों को दिखाने लाए हैं, और ये असली निशानेबाज मेडल पर मेडल बटोर रहे हैं। तो कई निशानेबाजों से हमारी बातचीत होगी, और जिनके मार्गदर्शन में ये निशानेबाज मेडल पर मेडल बटोर रहे हैं, उनका नाम भी जब आप सुनेंगे तो मामला आपको दिलचस्प लगेगा। तो हमारे साथ कई लोग हैं जिन्होंने, इस वक्त हम आपको बता दें पाटलिपुत्रा गन्स शूटिंग एकेडमी में हैं, और देखिए निशाना लगाया जा रहा है। तो चलिए हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? ऋषिका। ऋषिका नाम हुआ आपका, सुना है बहुत मेडल जीता है आपने। हाँ। पूरा बताइए, क्या कौन सा कंपटीशन था वो? बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप था जी। प्री नेशनल के लिए भी क्वालिफाई? अभी मतलब उसी के लिए प्रैक्टिस चल रहा है जी, उसी के लिए प्रैक्टिस चल रहा है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, उसी के लिए प्रैक्टिस चल रही है। कितना भरोसा है क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो मेडल मिला है उससे तो हौसला काफी बुलंद होगा? हाँ, उससे हौसला काफी बुलंद है, 100% है कि कर जाऊंगी क्वालिफाई, कर जाऊंगी क्वालिफाई। एक चीज हमको बताइए, क्या चुनौती है इस खेल में, या इस खेल के लिए मेडल लाने में क्या मुश्किल आती है, क्या चुनौती सामने आती है? चुनौती तो बहुत है कि अभी मैं बिहार में, तो लगता है बिहार में ही कंपटीशन इतना है, बट बाहर कितने कंपटीशन है ये बहुत टफ है जानना। बिहार में इस तरह के कंपटीशन के लिए, बिहार में इस तरह के खेल के लिए पर्याप्त माहौल है लगता है? उतना नहीं है अभी, उतना नहीं है, लोग इस खेल को लेकर उस तरह के अवेयर नहीं है। तो चलिए हमारे साथ एक और निशानेबाज हैं, और असली निशानेबाज हैं, आपने भी खूब मेडल जीता है, क्या नाम हुआ आपका? कुलसुम। कुलसुम तजी। कौन कौन सा मेडल जीता है आपने? टू ब्रॉन्ज जीते हैं आपने, तो स्टेट लेवल में आपने जीता है जी, और प्री नेशनल के लिए क्वालिफाई करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल क्वालिफाई करूंगी, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। और हमारे साथ और है, देखिए ये इनके हाथ में तो और भी बड़ी गन है, आप तो और भी बड़े निशानेबाज, आपने भी खूब मेडल जीता है हमने सुना है। हाँ। कौन कौन सा मेडल जीता है आपने? 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, चलिए वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे क्या इरादा है? नेशनल खेलना है। नेशनल खेलना है, खेलेंगे। हाँ। अब देखिए इन बच्चों से बात हो गई जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा किया है, और अपने संस्था के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य का नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, सिल्वर, गोल्ड और बाकी दूसरे मेडल भी जीते हैं। लेकिन हमने आपको इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने ये कारनामा किया है उनका नाम भी कम दिलचस्प नहीं है। चेतन आनंद RJD के विधायक हैं, और जिस पार्टी के वो विधायक हैं उस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी CM हैं, वो आधी रात को PMCH पहुंचकर लोगों का दिल जीत रहे हैं। इधर चेतन आनंद मेडल पर मेडल जीत रहे हैं, न सिर्फ इनके मार्गदर्शन में चल रहे संस्थान के छात्र, बल्कि खुद चेतन आनंद ने भी मेडल जीता है। तो खुद हमारे साथ RJD के विधायक चेतन आनंद हैं। कहां से राजनीति के बाद इतना वक्त निकाल लेते हैं, अपने आपके जो शागिर्द हैं वो भी मेडल जीत रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस
पाटलिपुत्रा गन शूटिंग एकेडमी के जरिए और आप भी मेडल जीत रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें टाइम तो खैर, मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा अपने कोच हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा कोचिंग दे रहे हैं लोगों को। हाँ बिट्टू कुमार नाम है इनका। हाँ बहुत अच्छा कोचिंग देते हैं और कुछ थोड़ा बहुत टाइम हम भी निकाल लेते हैं बीच बीच में, जब जब पटना रहते हैं तो घंटा एक घंटा दो घंटा निकाल करके बच्चों के बीच में कभी आकर के उन लोगों को टिप्स विप्स दे देते हैं। क्योंकि देखिए हम खुद एक नेशनल लेवल के शूटर रह चुके हैं, जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तब नेशनल लेवल पे हम भी कम्पीट किए थे, तो जो हमसे बन पड़ता है, हमने ये संस्था और ये इंस्टीट्यूशन भी इसीलिए खोला क्योंकि जब हमने देखा कि बिहार में एक शूटिंग कल्चर की ज़रूरत है, तो उसमें मतलब हम हमारा जो भी योगदान था वो हमने देने का काम किया है एमएलए बनने के बाद, और बहुत ही प्राउड फील होता है कि मतलब फरवरी में हम लोगों ने ये संस्था खोला और आज लगभग 28 मेडल्स हमारे इस अकेडमी को बिहार स्टेट्स में मिला, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। आपने जो मेडल जीता है उसके बारे में बताइए। जी 0.22 में हम खेले बहुत दिन बाद, स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट था उसमें हम ब्रॉन्ज जीते हैं, और खैर वो सब तो, लेकिन बात ये होती है कि बच्चे अच्छा करना चाहिए। चुनौतीपूर्ण तो नहीं है, विधायक जी हैं, जनता की भी उम्मीदें हैं, क्षेत्र के लोगों की भी उम्मीदें हैं, उनसे भी मिलना है, पार्टी के प्रति भी जवाबदेही है, जिम्मेवारी भी है, युवा चेहरे हैं पार्टी के, इधर संस्था के बच्चों को भी देखना है, और जाहिर तौर पर अब तो चुनौती बढ़ गई है, इतना अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने, उसको बरकरार रखना। बिल्कुल, 10 बच्चे जो है प्री नेशनल कुलसुम, आपको क्या कहते हैं, ऋषिका यहाँ पर, आरव, हेमंत, ये लोग जो भी हैं, प्रिंस हैं, ये सभी लोग क्वालिफाई कर गए हैं प्री नेशनल के लिए, मतलब पूरे जोन में, ईस्ट जोन में ये लोग क्वालिफाई किए हैं, और यहाँ से हमको लगता है कि अब नेशनल लक्ष्य है इन लोगों का, ये नेशनल इवेंट तक बिहार का नाम रोशन कैसे करें, तो इन लोगों का लक्ष्य है। और हाँ आप जो कह रहे थे कि सब कुछ जो देखना है, हम आपको उस रात की कहानी सुनाते हैं जिस दिन हम इवेंट खेले हैं, रात को हम इवेंट खेले हैं, सुबह सुबह ब्लड बैंक का उद्घाटन था। हाँ हम उधर से जो भागते भागते पहुंचे अपने क्षेत्र, 4 बजे 5 बजे हम पटना पहुंचे हैं, पटना से फिर हम अपने क्षेत्र गए हैं, मतलब 2 दिन लगातार हम मान के चले, फिर उसके बाद दिल्ली गए हैं, 2 दिन के अंदर हम सोए नहीं हैं। हाँ तो ये वर्कलोड तो थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन खैर इसमें जीना है, इसी में लोगों का दिल जीतने के लिए, पार्टी के नेताओं का दिल जीतने के लिए ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चलिए संस्था के कोच भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, काफी मेडल बटोर के लाए हैं आपके जो छात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मतलब उम्मीद नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा कर पाएंगे, और हम लोग के पास 28 मेडल इस बार मतलब बिहार स्टेट में आ चुका है, और देख ही रहे हैं अभी प्री नेशनल का यहाँ पे तैयारी पूरा जमदम के दम चला हुआ है, दम जम के चला हुआ है। प्री नेशनल में कितना मेडल बटोरने का इरादा है? बिल्कुल आएगा, अभी तो कह नहीं सकते। प्री नेशनल में किस किस ने क्वालिफाई किया है? हेमंत है, हेमंत जी आपने प्री नेशनल में क्वालिफाई किया है। यस, और अभी 18 से 22 को हम लोग को वहाँ पे जाना है ट्रायल के लिए जी, फिर नेक्स्ट नेशनल का टिकट मिलेगा वहाँ से जी, और फिर आगे इंडिया टीम में सिलेक्ट होना, नेशनल खेलना है जी। और सर बताइए। मेरा नाम आरव सिंह हूँ जी, मुझे भी नेशनल खेलना है, आसनसोल में क्वालिफाई स्कोर करना है और प्लस मेडल के साथ। मेडल के साथ, देखिए एक बड़ी बंदूक लेकर ये भी खड़े हैं, क्या इरादा है? बस नेशनल में मेडल, नेशनल में मेडल लाना है। बिल्कुल, तो देखिए ये तैयारी चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और हौसले उत्साह से लबरेज है यहाँ के जो छात्र हैं, और जाहिर तौर पर मार्गदर्शक भी वैसे और कोच भी वैसे। क्या इरादा है? खेलना है अच्छे से, तो नेशनल के लिए खेलना है। तो हमने आपको दिखाया कि पटना में एक बड़ी तैयारी चल रही है और इनके मार्गदर्शन में, किनके नेतृत्व में चल रही है, हमने आपको यह भी बताया है कितने मेडल बटोरे गए हैं, राज्य का नाम किस तरह से, बिहार का नाम किस तरह से रोशन किया है, न सिर्फ यहाँ के छात्रों ने बल्कि आरजेडी के एक विधायक ने भी। तेजस्वी यादव पीएमसीएस जाते हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं, इधर विधायक जी मेडल जीत रहे हैं, तो आगे भी जाहिर तौर पर ये अच्छी पहल है और ये एक बड़ी तैयारी है, और बिहार का नाम जाहिर तौर पर रोशन हुआ है और आगे भी रोशन होगा। इन सारे जो छात्र हैं उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी यहाँ की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।